पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीब है और मेरा ताल्लुक गुर्दे के शोबे से है, जिसको इंग्लिश में हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। सो आई एम ए नेफ्रोलॉजिस्ट और मैं प्रैक्टिस करता हूँ एक्सपर्ट कंसल्ट क्लिनिक पे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर के बिलमुकाबिल है। गुर्दे का जो शोबा है नेफ्रोलॉजी, वो डील करता है गुर्दे के अमराज से। गुर्दा हमारे जिस्म का एक बहुत ज़रूरी उज़ है, जो कि बहुत अहम उमूर सर अंजाम देता है। इन उमूर में हमारे खून की सफाई का होना, जिसके नतीजे में पैदा होने वाले फाजल मादे, उनका अखराज शामिल है। हमारे जिस्म में नमकियात की मौजूदगी और उनका मुतवातिर रखना, ये गुर्दे का काम है। हमारे विटामिन डी की एक्टिवेशन और उसकी उसको पैदावार उसकी पैदावार उसका काम करता है हमारा गुर्दा। और हमारे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, मतलब जो हमारे खून के कुलिए होते हैं ख़ास किस्म के, जो कि हमारी हीमोग्लोबिन को मेंटेन करते हैं, उसकी पैदावार में बहुत ज़रूरी किरदार अदा करता है। इसी तरह हमारा जो गुर्दा है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को एक मुतवातिर रेंज में रखता है और उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो देखा जाए तो हमारा जो गुर्दा है वो बहुत ज़रूरी काम करता है। सिर्फ खून की सफाई ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर, अमूमी तौर पर हमारी जो पब्लिक है उससे अवेयर नहीं है। तो आज की वीडियो का हमारा जो मकसद है वो है पब्लिक को अवेयर करना इस चीज़ से कि जो गुर्दे की फील्ड है, जो नेफ्रोलॉजी है, वो क्या काम करती है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे गुर्दे को मुतासर कर सकती हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, और क्या ऐसे अमल हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं जिनसे इन बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस हो सके। गुर्दे का जो एक इररिवर्सिबल लॉस है, या जिसे हम कहते हैं कि एक उस हद तक नुकसान हो जाना जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो, उससे पहले उसको बचाया जा सके। और हर किस्म के ख़तरात, जिसमें किडनी फेलियर और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक नौबत चली जाती है, उससे गुर्दे को बचाया जा सके। गुर्दे को मुतासर करने वाली बीमारियों में सर फहरिस्त हैं शुगर और ब्लड प्रेशर। चूँकि हमें पता है कि शुगर और ब्लड प्रेशर हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, और ख़ास तौर पर ये सब कॉन्टिनेंट के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर चूँकि अनकंट्रोल्ड रहते हैं हमारी सोसाइटी में, लोगों में, तो ये गुर्दे को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करता है। अलमिया ये है कि इसकी तशखीस बर वक्त नहीं हो पाती, और पता तब चलता है जब गुर्दे काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके होते हैं। उसकी एक रीज़न या वजह यह है कि कुदरती तौर पे गुर्दे में कोई ऐसी दर्द की सूरत में चीज़ सामने नहीं आती जिससे इंसान ये मालूम कर सके या इस चीज़ के नतीजे तक पहुंच सके कि हमारा गुर्दा मुतासर हो रहा है। इसके अलावा कुछ मौरूजी अमराज हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि कुव्वत मुदाफ़ियत से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनमें हमारे जिस्म का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, वो गुर्दे ही के ऊपर मुतासर हो जाता है, उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा गुर्दा मुतासर होता है। साइंटिफिक या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसकी आगे काफ़ी इकसाम हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि गुर्दे को मज़ीद मुतासर कर सकती हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन डिजीज़ हैं, गुर्दे की पथरियां। इसी तरह कोई भी ऐसा मर्ज या कोई प्रॉब्लम जो कि पेशाब में रुकावट पैदा करे, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोस्टेट बढ़ जाता है कुछ मर्दों में ज़्यादा उम्र में जाते हुए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पेशाब में रुकावट पैदा करे और पीछे गुर्दे पर प्रेशर डाले, उससे गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। गुर्दे की इन्फेक्शंस और ख़ास तौर पर फीमेल्स में, ख़वातीन में हमल से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ बीमारियाँ भी गुर्दे पर मुतासर होती हैं। सो अगर इन अ होल देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गुर्दे को मुतासर करती हैं, जिनमें अगर हम इसको समराइज़ करें तो शुगर और ब्लड प्रेशर सबसे ऊपर हैं,
उसके बाद मौरूसी अमराज हैं, इसके बाद आते हैं हमारी पथरी और कुछ ऐसे अमराज जो ख़वातीन में हमल से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ ऐसे अमराज जो कि पेशाब की रुकावट की वजह से पैदा होते हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की बीमारियां भी होती हैं जो कि बहुत रेयर हैं लेकिन फिर भी हमारे माशरे में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, दुनिया में पाई जाती हैं, वो भी गुर्दे को अपनी लपेट में लेती हैं। लेकिन जो हमारी कंसिडर में करने वाली चीज़ें हैं, जो हमें जहन में रखने वाली चीज़ें हैं, जो सबसे कॉमन है, वो हैं शुगर और ब्लड प्रेशर और गुर्दे की पथरियाँ। तो शुगर और ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि इससे गुर्दे के साथ साथ बाकी भी तमाम अज़ाब मुतासर होते हैं, जिनमें दिल, आँखें, हमारे हाथ और पाँव और काफ़ी इस तरह की और चीज़ें। इसलिए शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अहमियत का हामिल है। नेफ्रोलॉजी का जो एक फील्ड है या जो गुर्दे की जो स्पेशलिटी है, उसकी अहमियत इस चीज़ से लगाई जा सकती है कि जब भी शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ पहली दफ़ा किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर या मेडिकल स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट में आता है, तो एक अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट लाजमी उसके किडनी के फंक्शन के टेस्ट करवाता है, जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, या फिर यूरिन का टेस्ट लाजमी करवाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आया पेशाब में गैर मामूली मकदार में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन तो खारिज नहीं हो रही। और चूंकि हमें पता है कि प्रोटीन या एल्ब्यूमिन हमारी जिस्म का एक ज़रूरी अंसर है जो कि नॉर्मली बॉडी से बहुत ना होने की मकदार में निकलता है, खारिज होता है, लेकिन शुगर में क्योंकि गुर्दे की स्ट्रक्चर को और उसकी शक्ल को मुतासर करती है, तो उसकी सूरत में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का अखराज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अगर किसी भी तरह से ना हो, 3 या 4 दवाइयाँ मुख्तलिफ अकसाम की शुरू करनी पड़ें और फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। इससे पहले भी नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद ली जा सकती है और गुर्दे से मुतलक बीमारियों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। गुर्दे की अगर बीमारी या उसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो गुर्दे ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और अगर 3 माह से ज़्यादा ये मामला चलते रहें तो गुर्दे मुसलसल ख़राबी की तरफ चले जाते हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ भी बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है और एक वक्त के बाद ये एंड स्टेज किडनी डिज़ीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके बाद ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस की ऑप्शन बचती है हमारे पास। तो अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ या अपनी ज़िंदगी का मयार बेहतर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हम किसी भी ऐसी बीमारियों में मुबतला हैं जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर या पथरियों के अमराज हैं, या फिर कोई भी हमें पेशाब में रुकावट महसूस होती है या और अलामात में आती हैं, पेशाब में कभी कभार झाग का आ जाना, कभी सुबह उठें आप तो आँखों के नीचे आई बैग्स बन जाना जिनको बोलते हैं, चेहरे का सूज जाना, पाँव का सूज जाना, पेशाब में रुकावट आना, पेशाब की रंगत तब्दील होना, तेल या पेप्सी के रंग का पेशाब आना, इसी तरह पेशाब में कोई ज़र्रात आना, पथरियों का आना, गुर्दों वाली जगह जो कि ये हमारी पसलियों के नीचे होती हैं पिछली साइड पे कमर के लोअर हिस्से पे, इनमें कोई दर्द का उठना, इनमें स्वेलिंग होना, बुखार होना, ये तमाम चीज़ें वो अलामतें हैं जिसके लिए आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी के स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसके लिए टेस्ट करवाए जा सकें, उसकी तशखीस की जा सके और किसी किस्म के भी पेचीदगी से और मुश्किल से और परेशानी से बचा जा सके। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपना मुआयना भी करवाएं और अपने मौलिज से इन टच भी रहें। इस तरह की किसी भी अलामत आने की सूरत में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे कंसल्ट करने के लिए आपको ओला डॉग के थ्रू एक्सपर्ट कंसल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर की अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। अपॉइंटमेंट आप इन पर्सन भी ले सकते हैं, जो कि क्लिनिक विज़िट करके ले सकते हैं आप, और दूसरा तरीका है ऑनलाइन कंसल्टेशन का। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मैसर है, जो कि आप अगर
इन पर्सन विज़िट नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।